छतरपुर में चंदला के बीजेपी दलित विधायक राजेश प्रजापति के साथ लवकुशनगर थाना प्रभारी हेमंत नायक द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, जिसके बाद एसपी सचिन शर्मा ने थाना प्रभारी हेमंत नायक को लाइन अटैच कर दिया है। जरा देखिए किस तरह टीआई विधायक राजेश प्रजापति के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। दरअसल मामला विधायक के मुंडेरी गाँव का था, जहाँ एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उसके पति के साथ मारपीट भी की गई, जिसकी शिकायत लेकर दोनों दंपति थाने पहुंचे थे। लेकिन जब 4 घंटे तक उनकी शिकायत नहीं लिखी गई, तब विधायक को इसकी जानकारी लगी और वे थाने में महिला की शिकायत न लिखने की वजह पूछने आ गए। लेकिन जब उनकी भी बात थाना प्रभारी ने नहीं सुनी, तो वह थाने के गेट पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। विधायक के धरने पर बैठे होने की सूचना टीआई को लगी, तो वह थाने में आए और तैश में आकर अपना आपा खो बैठे और विधायक से बदतमीजी करने लगे, जिसके बाद विधायक रात 3 बजे तक थाने में बैठे रहे और टीआई के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। और विधायक के धरने पर बैठे होने की बात जैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पता चली, तो बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और विधायक के साथ हुई बदतमीजी पर टीआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। तब एसपी सचिन शर्मा धरना दे रहे विधायक के पास पहुंचे और विधायक की मांग पर टीआई हेमंत शर्मा को उन्होंने लाइन अटैच कर दिया और उनके खिलाफ जांच की बात करते हुए विधायक का धरना समाप्त करवाया। ये कैसी बात कर रहे हैं? हाँ बनाइए ना, विधायक से बात नहीं कर रहे, जबरन झूठे मुकदमे काम करा रहे हैं। चिल्लाइए नहीं, मेरे क्यों नहीं चिल्ला है, झूठा मुकदमा कर रहा हूँ। चिल्लाइए नहीं, आप चिल्ला नहीं सकते, आप आराम से बात करिए। मैं बैठा हूँ, आप बैठिए ना, आप झूठा मुकदमा काम करा रहे हैं, बताइए कहाँ किसको चोट लगी है। जाओ साहब से बात कर लीजिए, आप साहब लाइन पे बात करिए, झूठा मुकदमा नहीं करेंगे। सामने बैठो ना, करो, मैं बैठा हूँ, जबरदस्ती बैठोगे थाने पे? बैठेंगे बिल्कुल बैठेंगे। झूठा मुकदमा कराओगे आप? मैं नहीं करा रहा हूँ, आप क्यों नहीं करा रहे? आप झूठा मुकदमा किए हैं आप? बिल्कुल नहीं किया, सामने चोट लगी है। हाँ हाँ, मैं नहीं करता झूठा मुकदमा, आप करा रहे झूठा मुकदमा। सीधा आप बकवास नहीं कर, मेरे से बकवास बकवास की बात मत करना, मुझसे मेरे से बात न करें। बता दिया मैंने, उल्टे सीधे शब्द का प्रयोग करोगे दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आइए, आप गूंगी महिला नहीं की जा रही थी, माननीय विधायक जी ने कुछ यहाँ टीआई को बोला होगा, उसके बाद वो FIR नहीं हुई होगी, तो जब महिला के परिजनों ने बताया होगा, तो माननीय विधायक जी यहाँ आए थे, उस दौरान हॉट टॉक यहाँ हुई, गर्मा गर्म कोई बात हुई थी जिसका वीडियो वायरल हुआ है, हम सब ने देखा है। उस संबंध में हम लोगों को पता चला तो हम लोग भी मौके पर आए, एसपी साहब सब लोग पुलिस अधीक्षक भी यहाँ पर हैं, और अभी हम लोगों की बैठकर चर्चा हुई है, जो भी ये घटनाक्रम हुआ है उसमें जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, संबंधित थाना प्रभारी को लाइन हजार कर दिया गया है, आने वाले समय पर उस पर और भी कार्रवाई की जाएगी। जो विधायक जी की मांगे हैं वो पूरी होंगी और जो विधायक जी की मांगे थे वो पूरी होगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।